अस्सलामुअलैकुम सादिया ब्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार रेसिपी, पालक गोश्त। बहुत सिंपल और इजी वे में कैसे तैयार करते हैं पालक गोश्त, तो इसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत थी उसमें एक किलो ये बकरे का गोश्त है, आप चिकन का, बीफ का, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। एक बड़े साइज़ का प्याज, 3 हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, हसबे ज़रूरत नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच और 3 टमाटर। चलें अब तैयारी शुरू करते हैं। चलें जी तैयारी शुरू करते हैं। तो बिल्कुल ईजी वे में हमने इसको बनाना है। टाइम हमारे पास अगर कम है तो हमने इसको जल्दी से किस तरीके से तैयार करना। ये देखिए, ये तकरीबन 1 कप ऑयल का जाएगा इसके अंदर। ये सबसे पहले मैंने ये पालक जो है वो इसके अंदर डाल देनी है, अच्छे तरीके से धोई हुई है। ये एक प्याज जो मैंने काटा था, ये टमाटर और ये तमाम स्पाइस और ये गोश्त। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने इस तरीके से मिक्स कर दिया। ये इतना पानी इसमें डालना है कि आपका गोश्त और पालक दोनों चीज़ें गल जाएं और पानी खुश्क होने पर आपने इसको फिर अच्छी तरीके से भूनना है। अब ये मैं इसको कुकर को बंद करके वेट लगा दूंगी और विसल बजने के बाद 15 मिनट के बाद मैं इसको ओपन करूंगी, जिससे इंशाल्लाह मेरा गोश्त भी पूरा गल गया होगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा, पालक भी गल चुकी होगी। तो आते हैं विसल बजने के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको बंद कर दूंगी, विसल उठा दूंगी। अब देखते हैं हमारा पालक गोश्त कहाँ। ये देखें इसके अंदर पानी है, फिर ये देखें पालक भी गल गई हुई है और गोश्त भी माशाल्लाह हमारा सॉफ्ट हो चुका है। लेकिन ये पानी को अभी हमने खुश करना है अच्छे तरीके से, ताकि पालक और गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से घी छोड़ दें। उतनी देर तक हमने इसको पकाना है, तो इसको हम ढककर रख देंगे। गल चुका है, ये देखें हाथ से टूट रहा है और इसको हम अच्छी तरह से खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक ये देखिए माशाल्लाह ये छूटना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको ना इस तरीके से साथ साथ थोड़ा थोड़ा पालक को घोटते जाएं। इस तरीके से आपने इसको ऐसा ऐसा भूनते हुए थोड़ा थोड़ा घोटना है। ये धनिया मैंने धो के रखा हुआ है, इसको आप शामिल कर दें। पालक के अंदर धनिया और सफेद जीरा, एक चम्मच सफेद जीरे का इसके ऊपर डालते हैं, इसको
थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए ढक दें ताकि जीरे की और धनिया की पूरे पालक के अंदर अच्छे तरीके से रच जाए। चलें 5 मिनट हो गए, देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, देखिए मुकम्मल तौर पे भून हो गई है पालक भी, और उसने अच्छी तरीके से गोश्त में और पालक में घी छोड़ दिया है। ये बिल्कुल हमारी पालक रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए आने वाले सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।